राजस्थान सरकार का पांचवां बजट बहुत ही शानदार एवं युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम जन को राहत प्रदान करने वाला है। चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाना, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देना, किसानों को 2000 यूनिट तक की बिजली के बिल माफ़ करना एवं युवाओं के लिए पहली बार बहुत सा खर्च किया जा रहा है। बहुत से वक्ताओं ने बजट के बारे में बहुत सारी बातें कह दी हैं। समय की कमी को देखते हुए मैं सीधा मेरे विधानसभा के कुछ बातों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मांग जिला बनाने की है। पिछले दिनों सरकार ने एक कमेटी गठित करके और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का एक सपना दिखाया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों अपनी मांग के समर्थन में हजारों लोगों ने नीम का थाना से जयपुर तक की 130 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जिसमें मैं स्वयं भी शामिल था, और शहीद स्मारक पर एक बहुत बड़ी सभा की, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया। चार विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने प्रस्तावित जिला नीम का थाना में जोड़े जाने की सहमति भी प्रदान कर दी है। अतः मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बजट सत्र में ही नीम का थाना को जिला बनाने की घोषणा करें। सभापति महोदय, पिछले बजट में 8,800 करोड़ रुपए की पेयजल की कुंभाराम लिफ्ट परियोजना स्वीकृत की गई थी, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अभी एक साल बीतने पर भी इस योजना का काम धरातल पर शुरू नहीं हुआ। पीने के पानी की मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है एवं आगामी गर्मी कैसे बीतेगी इस बात की बड़ी चिंता है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस योजना का काम शीघ्र शुरू कराकर युद्ध स्तर पर इसे पूरा किया जाए। सभापति महोदय, राज्य में काफ़ी प्रयासों के बाद भी बेरोजगारी एवं अपराध बढ़ रहे हैं, और मैं मानता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण सिंचाई के पानी का अभाव में कृषि कार्य का बंद हो जाना है। मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में यमुना का सिंचाई का पानी लाया जाए, जिससे कि इलाके में कृषि कार्य शुरू हो सकें, खुशहाली आए और बेरोजगारी और अपराध से मुक्ति मिले। वन क्षेत्र में और चारागाह में बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और बहुत बड़ी समस्या है। गलत वन भूमि और चारागाह दर्ज हो गए हैं, बरसों से ये लोग रह रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि इनको नियमित किया जाए और जो गलत वन क्षेत्र और चारागाह दर्ज हो गए हैं उनको ठीक किया जाए। किसानों को पाले से हुए नुकसान का मुआवजा शीघ्र व सही सही दिया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिरोही पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाना बहुत आवश्यक है। यहाँ की ओपीडी बहुत अधिक है, यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री भी स्थित है जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं। क्षेत्र की आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ी पंचायत है और हाईवे और बाईपास पर स्थित है। यहाँ भवन भी बहुत अच्छा उपलब्ध है। मेरी दूसरी बड़ी ज़रूरत कोला का नांगल में एक 33 केवीए का सब स्टेशन स्थापित करने की है। यह फीडर पाटन से रैला कोला तक लगभग 35 किलोमीटर की लंबाई का है और कोई भी फॉल्ट आने पे सारी बिजली बंद हो जाती है। कई बार सारी सारी रात बिजली नहीं आती है। अतः जनता को राहत प्रदान करने के लिए यहाँ सब स्टेशन अभी स्वीकृत किया जाना बहुत आवश्यक है। सरकार बिजली के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बताती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की कमी की वजह से जनता को जो परेशानी है तो उसे सिस्टम को ठीक करके दूर किया जाना चाहिए। नगरपालिका नीम का थाना और उसके पैराफेरी क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी
निवास करती है। यहाँ पर शुद्ध हवा और पर्यावरण सुधार के लिए कोई पार्क नहीं। यहाँ पर मेरे यहाँ एक ज़मीन उपलब्ध है जहाँ पर शहर के जोड़ का पानी जोड़ भर जाने पे पाइपलाइन के जरिए इस ज़मीन में डाला जाता है। आवागमन के लिए सड़क के नज़दीक तक स्थित है। अतः मेरा निवेदन है कि बहुत कम वित्तीय भार में एक बहुत जीवन के लिए उपयोगी कार्य किया जा सकता है। आपने कई जगह नेचर पार्क स्वीकृत किए हैं, तो मैं मेरे यहाँ नीम का थाना में भी एक नेचर पार्क स्वीकृत करने का निवेदन करता हूँ। मेरी एक और बड़ी पंचायत गोहाला है, मैं उसे उप तहसील या नगर पालिका में नगर पालिका बनाने की निवेदन करता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र आबादी व क्षेत्रफल के हिसाब से सीकर जिले का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। इसमें काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र भी है, यहाँ पर सड़कों का बहुत अभाव है। अतः मेरा निवेदन है कि जनता को राहत प्रदान करने की दृष्टि से यहाँ पे निम्न सड़कें और स्वीकृत की जाएं। एक जो विधायकों के अनुशंसा पे 10 करोड़ की सड़कें स्वीकृत करने का जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, मैं उसे बढ़ाकर 20 करोड़ करने की अनुशंसा करता हूँ। जो सड़कें मेरे यहाँ बहुत ज़रूरी हैं, बल्लूपुरा जामावास होते हुए रामपुरा गणेश्वर से जिराना, ठीकरिया से श्याम नगर, थोई से अहिरों की ढाणी, पुरानाबाद से कोटड़ा, भगेगा से अर्जनपुरा, अर्जनपुरा से डेहरा जोड़ी, इस तरह करीब 53 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं जो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस बजट में मुझे अतिरिक्त रूप से दी जाए। 2 नए प्राथमिक स्कूल खोलने का भी मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नवाचार किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए ये जो नए विद्यालय और खोलने की जो मांगे आ रही हैं, इनको आप अवश्य पूरा करें। इसी बजट सत्र में आपने 300 स्कूलों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की है, मेरे हिसाब से ये बहुत कम है। मेरे यहाँ अकेले के ही प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की, 3 पाटन ब्लॉक में और 6 नीम का थाना ब्लॉक में प्रस्ताव हैं। इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के बहुत सारी ज़रूरतें हैं। अलग अलग स्कूल हैं, नई कोठी, पूंछला वाली, खातियों की ढाणी, हेमराजपुरा आदि, करीब 5 स्कूलें मेरे यहाँ क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। अतः इस 300 की संख्या को बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पाटन अलग से तहसील और पंचायत समिति है, यहाँ पर चिकित्सा विभाग की CHC भी है, जहाँ पर OPD और IPD बहुत ज़्यादा है। माइनिंग और क्रशर का एरिया जोन होने की वजह से यहाँ पे इस अस्पताल को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। श्री शंकर सिंह।